खबरदार बहुत मेकअप मार के ना पाउडर मुंह देते तो बांदरी बनने की जरूरत नहीं है देखा है उन्होंने तुझे और जा जाके अंदर कूड़ लेके बैठ और जब वो आएंगे ना उनके लिए चाह और बैकआउट लेके आना ठीक है चल शाबाश अच्छा बात सुनो आज थोड़ी तमीज से बात कर लेना अस्सलाम वालेकुम और सुनाओ तबीयत खैर है ठीक ठाक हो ना ये पूछने के लिए आयो सत्यानाश हो तेरा मैंने दूध रखा ऊपर चूल्हे पे बलने के लिए अगर गिर गया ना तो तुमसे वसूलूंगी चलो इसी बहाने कुछ तो वसूल करोगे मेरे को ना मेरा उसे क्या ताल्लुक इतने दिनों से वो घर नहीं आ रहा तो अम्मा तुम मुझसे क्यों पूछ रही है तू पता कर ना दिलावर कहाँ है भाई साहब मेरा ख्याल है कि आपको मिठाई पसंद नहीं आ रही देखिए जनाब अगर अच्छी होती तो जरूर पसंद आती हमें आप खाली चाय पिए समोसा तो खाए बड़े मजेदार हैं देसी क्यों हो गया आपने कभी नहीं खाए होंगे वैसे चाय बहुत मजे की बनी है हां हां जी बेटा ठहरो देखो शीना अगर घर में चाय की पत्ती है तो जल्दी से चाय बना के लाओ बेटे ओए मेरी गाल सुनो ए हुन छड्डो चाय दा मजाक जिस काम आए जो जरूरी गल है वो तो कर ले सुभान अल्लाह वाह मैं खातून ने क्या अच्छी बात कर दी अचानक बहुत अच्छी बात हां असली से पूछ सब पे ये वक्त आता होता है इतना ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है आप फरमाए जी हम हमदन गोश हैं जी मैं अर्ज कर रहा था कि आपको सुन के बहुत खुशी होगी खुश तो हम बहुत हैं आपको ये अंदाजा ये मिठाइयाँ ये बिस्कुट ये चाय ये फल फ्रूट देखी हो जाना चाहिए था चलिए यूं कह देते हैं भाई हम दोबारा कह देते हैं कि आपको ये सुन के मजीद खुशी होगी अम्मी जी मैं बैठी रहूं या चली जाऊं अरे भाई शीना क्या अजीब हरकत कर दी भाई इस खुशी के पुरमसरत मौके पर आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है भाई लीजिए जनाब भाई आपको सुन के अजहद खुशी होगी मैं आपको अर्ज करता अर्ज भी करने की क्या जरूरत हम आपके खिदमत पेश करते हैं खुद ही पढ़ लीजिए कार्ड शादी का कार्ड है जी शादी का कार्ड है पुलाव सरदा बिरयानी फिरनी और जनाब बहुत सारे लवाजमात आपके लिए रखे गए हैं मुझे नहीं पता मैंने गर्दन के ऊपर थोड़ा सा सलाद डाल के जरूर खा ले अबे माशाल्लाह क्या पेंडू तबीयत आई इन्होंने हाय ना जी ये बताएं कि ये शादी किसकी है वाह खातून क्या मासूमाना सवाल कर दिया आपने भाई माशाल्लाह बचकाना सवाल है ये जब आप सब लोगों को हम वहाँ इनवाइट कर रहे हैं तो क्या किसी गैर की शादी पर करेंगे भाई अपना बरखुरदार हमारे अधील की शादी भाई इसकी डेट हमने पक्की कर दी खुद तो पक्का होके दे नहीं रहा ये ले हमसे पूछे बगैर आप ही आप लो भला ये क्या बात हुई है भाभी बकवास बंद कर दी सुन नहीं रहे कि आप भोग रहे हैं वो क्या कह रहे हैं हमें कुछ सच ना दिया मुझे फड़ के नीचे ना काली दुपट्टा दंदों में ले ले के इतना शर्मा रही है और चौकी इस खाली चाय में ले चल के ना चिकन में रख आके तेरे अबे और तेरे चाचे ने भी खा ली सारी शहर है तेरे के लिए तो नहीं सारी मंगाई थी वो दरअसल बहन जी हुआ पता क्या ये सब कुछ आनन फानन हो चुप कर जा भाई साहब ना मेरी कैद को रुक कर हो तो गया ना जो भी हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लाख शुक्र है अबे बात सुन अबे पत्नी कभी से निकल ले अच्छा जी हमें इजाजत दीजिए लीजिए मिशीना जरूर आइएगा ना मुझे कोई और काम नहीं है तुझे मुझे कहाँ कैसे आना जरूर क्यों लो जी भाई जी बहुत बहुत मुबारक बेटा जी असी सारा टब्बर तानू उथे रौनक बख्शांगे हाय हाय एड्डा भोलापन मैं क्या पाए ना एड्डे मशहूम बच्चे की शादी करने की जरूरत क्या थी अभी अभी तो ये मुन्ना सा मशहूम बच्चा है इसकी तो उम्र ही कुछ नहीं बड़ा तो हो लेने इसको अपनी बरखुरदारी ये कार्ड तुम रखो संभाल के तुम्हारे आने से रौनक ज्यादा हो जाओ दफा दूर हो जाओ कि मगरा लग जाओ मार मार के लेने अपने मुंडे ने थे नहीं खा रहा मेरा समोसा आज मैंने तो दाज में आज कुछ भी नहीं खाना आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी मैं बहुत रोऊंगी वे परत पे तेल कर की पावे वे खंभे दे मुंह आ रहे परे मर जा के कर की पड़े डॉक्टर हकीम इस बात का मुझे खाए तो कहते केले दो खाने चाहिए मैं अपना कपड़ी तोड़ सकती घर की पावे तेनू तेनू क्या तू तो इस तरह भी नोनी जब मर गया तेरा कोई चल बाहर सीधे करके आ
बच्ची है आराम से समझाओ। अब्बा जी मैंने आपका लिहाज किया, वरना मैंने वो छुमे के मुंह वाला जो उसका पुत्र आया था ना, उसके मुंह पे चांद खट मार दी थी। मैंने देखा है, मैंने देखा है। चल पापी खा। नहीं वो खा ना, मैंने खा ला। आप ही खा लो, आप ही खा लो। चलो देर टूट जाए नाले गल मुक जाए फिर चोट लगे। अब्बा जी आप यहाँ मुझे भी आए में जो खड़े हुए यूं कर रहे हैं, आप जाए मेरी दी का रिश्ता वापस चला गया और आपके हाथ से छुटे हुए। बस दस ये तुझे ख्याल कैसे आया? शर्मिंदा लैदा हुए ते खर्चा वखरा। चुप कर जा चाची, मेरे जख्मों में नमक छिड़कने की कोशिश भी ना कर। ओहो भी बस कर दो, जो हो गया ना मिट्टी पा दो उस पे। ए छेती बता मुझे, ओ अब क्या करूं तेरा, क्या रात है तेरे? हाय हाय भाभी की हो गया, वो लंगूर ही रह गया था, और दुनिया में कोई नहीं है? हाय हाय हजारों मुंडे मिलते हैं, कोई मुंह मत्थे लगती है लड़की मिल जाए ना कोई, ना फिक्र कर। अभी तो मेरा दिल दुखा हुआ है, अभी मैंने कुछ दिन सोग मनाना है। हाँ तेरे मैं सोग निकालू? मैंने अपने वाल पोट ले रहे तेरे दुख में। खबरदार कोई लोड़ नहीं है तुझे बिस्तरों में कुस कुस के पुराने किस्म के फिल्मी गाने सुनने की। अगर इस तरह की हरकत को की ना तो मैं छतर मार मार के तेरा सिर गंजा कर दूंगी। ओ इतना तो बुरा हुआ है मेरे साथ? नहीं बस देख ली तेरी अकल, आइंदा किसी काम में टांग अड़ाने की कोशिश ना करी, मैं अपनी लभ लूंगी तेरे लिए चंगा चंगा रिश्ता कोई। हाँ बेटा देख लेना, ये काम बड़ों के करने के होते हैं, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। भाभी तू कहे तो मैं इधर उधर जरा नजर दौड़ाऊँ लड़के के लिए। इधर उधर? वो कौन है इस महल्ले में शीना के काबिल है? मुझे नहीं करनी इस महल्ले में शादी। हाँ अच्छा, लंबी गड्डी वाले के साथ तो तेरा ब्याह ताई मुमकिन है कि उसकी कन पट्टी के ऊपर पिस्तौल रख के लाए और उसकी आंखों के अंदर ना फड़के ने सिलाई गर्म करके वार दे, फिर ही वो तेरे साथ ब्याह करेगा। एडी तो सुरजनतारी आ गई। हाय भाभी वैसे सच्चाई में भी तेरा कमाल ही है। शीना जो भाभी का ख्याल है ना वही मेरा है। बेटा हम पे भरोसा कर, हम तेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। चुप कर जा, हमें ढूंढने दे। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं मान लेती हूँ तुम लोगों की बात। हट जा रही है। ओ मां मुझे कल स्कूल नहीं जाना और फिर उस खपती बाबे के मुंह पे इस्तीफा भी तो जाके मारना है, और वो इतने सारे बच्चे जो कट के मैंने उसके स्कूल में जमा कराए थे वो अभी तो भगाने नहीं भगाने। आखिर शहीद गौ का नाम है मेरा। क्या बात है, तुझे दिलावर साहब बड़े याद आते हैं? अरे उससे बड़े बड़े साहब पड़े हैं दुनिया में, एक बार मिल के देख। लिख के देने को तैयार हूँ, भूल जाएगी दिलावर को। ये फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा, कहीं नाराज तो नहीं हो गया? हाँ आ जानी बैठ। नहीं फहमीदा बाजी जल्दी में हूँ, घर से धागा लेने के लिए निकली थी, सोचा कि आपको सलाम करती चलो। दिलावर नहीं आया अभी तक? अरे क्या बात है, तुझे दिलावर साहब बड़े याद आते हैं? अरे उससे बड़े बड़े साहब पड़े हैं दुनिया में, एक बार मिल के देख। लिख के देने को तैयार हूँ, भूल जाएगी दिलावर को। बता सकती हैं कि कहाँ है वो? मैंने सुना है कि दिलावर को कैद हो गई है। ठीक सुना है, पकड़ा गया है बेचारा बेजुर्म और बेवजह। असल में ना उसे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का बड़ा शौक, हमदर्दी थी उसे गरीबों से और भूत सवार रहता था हमदर्दी का।
सजा तो मिलनी थी ना। बाहर कब तक आ जाएगा वो? जब वो छोड़ेंगे तब आ जाएगा। अगर तू उस वक्त तक घर में बैठ के इंतजार करना चाहती है ना तो हमारा घर हाजिर है। ना कर कुड़ी को परेशान, अब वो बाहर आने वाला नहीं है। वैसे बेचारे के साथ हो ही बहुत बुरी है। सुन, तू यूं बार बार यहाँ पर चक्कर मत लगाया कर, चल जा। शाबाश है, चल ले। ले अम्मा, बार बार चक्कर क्यों ना लगाया करे, हमसे कोई रिश्ता नहीं है इसका। अच्छा खान, चलती आती रहा कर। दिलावर साहब, जाओ भाग करना, कौशल के घर से पता करके आओ कि शायद घर पर है कि नहीं। ना, मैं नहीं जाऊंगी। सरीम बाजी ने मुझे वहां जाने से मना किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे इनकार करो? और तुम्हारी बाजी कहां की गवर्नर लगी हुई है? जाओ दफा हो, देख कर आओ और मुझे बताओ। मैं नहीं जाऊंगी। भूख लग रही है, ये जरी पता नहीं कहां मर गई। चले गए आपके ममियान, क्या कह के गए? शादी भी तय हो गई? आहो, ये कार्ड देने आए थे मरण जोगे। मरण जोगे, ये क्या कह रही है? हैं? अजीजम अदील अहमद की शादी खाना आबादी हमरा बिना अली। ये बिना अली कौन है? तुझे क्या लगता है मैंने अपना नाम तब्दील करके बिना रख लिया? नहीं नहीं, यहाँ पे तो वल्दियत भी चेंज है। हाय हाय, मैंने मना किया था ना आपको, लेकिन उस वक्त आपने मेरी एक ना सुनी। हाँ, तू तो मेरी नानी लगती है ना, जो मैं तेरी नसीहतें सुनती। सुन, अगर मेरे साथ मिलके अदील को बद्दुआएं नहीं दे सकती ना तो चली जाए इस कमरे से। वैसे उस बेचारे ने तो कभी आपसे कुछ कहा ही नहीं था, आपको ही मानता अपने हुसन पे। अभी भी बाज आ जाए, बंद कर दे अपने इन ड्रामों को। खुद सोचे, अगर उसके दिल में कोई खोट होता तो वो आता ही कार्ड देने के लिए। अच्छा चले बस कर जाए ना। अच्छा सुन, वर्ची खाने में ना मिठाई और समोसे रखे हुए ले आ, मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा, मेरी बहन नहीं है, कुछ दिलासा ही मिल जाएगा। अच्छा, इतनी आसानी से काम होने वाला सदमा? दसो, ऐसे फिक्र वाली कोई गल ही नहीं। हाय हाय, क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने अपनी आंखों में। बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी। ए, पूरे मोहल्ले वालों को मैंने बता दिया था कि स्कूल का प्रिंसिपल मेरा रिश्ता लेके आ रहा है। आप और आपकी फुर्तियां। चुप, मैं नहीं रहूंगी। क्या बात है शंकु, क्या सोच रही है तू? शायद काफी दिनों से नहीं आई। क्या तूने मना किया उसे? मैं क्यों मना करूंगी? भला मेरा क्या ताल्लुक है उससे?
इतना भोली बनने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। बहुत चालाक है तू, बहुत बड़ी जादूगरनी। मैं क्यों मना करूंगी मीसनी? क्या हो रहा है? सिर्फ तेरी वजह से आया हूं मैं। हाथ छोड़े मेरा। शाहिद, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब इसकी तरफ बढ़ रहे हो? ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मुझसे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूं मैं, ठीक कह रही है ये। मुझे बता चुकी है सब कुछ ये। तुमने मेरी लड़की को समझ क्या रखा है? तुम्हें शग्गू से शादी करनी पड़ेगी। मकार? छोड़ो। अरे 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 छोड़ इसे। क्या हुआ? अरे फौज उस कंबख्त से पहले मेरी बेटी का इज्जत तार तार कर दिया और अब मेरी बेटी की जान ले ली। शगू, शगू। क्या हुआ बाजी? कुछ नहीं नन्नी, तू बैठ के पढ़, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना। ये बाजी पानी। बेटी के रास्ते में तेरी वजह से शायद उसे छोड़ रहा था। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ और निकल जा यहां से। मैं कहती हूं निकल जा यहां से। लेकिन मामी, मैं छोटी को लेकर कहां जाऊंगी? मामी मैं कुछ नहीं जानती। तेरी सूरत देखूंगी तो मुझे अपनी बेटी की बेबसी याद आएगी, उसका कत्ल याद आएगा। इस घर में ना तेरे मामू तेरी सूरत देखना चाहते हैं और ना मैं। चली जा यहां से। हाँ हाँ चली जा, पर आइंदा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना।
बाजी बाजी अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है छोटी, कहीं ना कहीं को जगह जरूर मिल जाएगी। तू फिक्र ना कर, तू आ मेरे साथ। तो तुमने कभी नहीं किया, लेकिन ये तो सोच लेते अब एक और वजूद इस दुनिया में आने वाला है, उससे तुम्हारा एक ताल्लुक एक रिश्ता है, उसी का ख्याल कर लिया होता मुझे दरबदर करने से पहले, उसी का सोच लेते। कौसर, कौसर ये इल्जाम है, झूठ है। तू नहीं जानती शगु किस किस्म की लड़की थी, और जो इल्जाम उसने और उसकी माँ ने मेरे ऊपर लगाया उसने मुझे मुश्तहिल कर दिया। पता नहीं किसका गुनाह मेरे सर थोप रही थी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे धक्का दे दिया, वरना मेरा इरादा उसको मौत के घाट उतारने का नहीं था। कौशल मुझे मेरे होने वाले बच्चे की कसम, अब तक मैंने जो कुछ किया हमेशा दो नंबर काम करके माल बनाने की फिक्र में रहा, तेरा ख्याल भी मैंने कभी नहीं किया, और इसी की मुझे सजा मिली है, और सजा मिल रही है। कौसर तुम खुदा से दुआ करो कि वो मुझे माफ कर दे, फिर मेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बस कौसर तुम दुआ कर कि खुदा मुझे माफ कर दे, आइंदा से मैं कोई गलत काम कभी नहीं करूंगा। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास तो वकील की फीस के पैसे भी नहीं है। मैं तुझे एक एड्रेस बता रहा हूं, तू जलाल नामी आदमी से मिल जाके उसे सारा बता, वो जरूर हमारी मदद करेगा। जी कौसर आप ही? सुना है तुम्हें खाला ने घर से निकाल दिए, अब कहाँ हो तुम लोग? आप फिक्र ना करें कौसर आप ही, मेरे अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, हमें कहीं ना कहीं ठिकाना जरूर मिल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम दोनों यहीं मेरे घर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है कौसर आप ही, अगर आप कहती हैं तो हम आ जाती हैं। सर आपने अपने घर बुलाया है। हो फिक्की पैगी चन तारे दिलो, फिक्की पैगी चन तारे दिलो, तू अज भी न आयो सजना। हाय, मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, मेरी शहजादी अगर बत्ती, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल की ठंडक, मेरे दिल का चैन, मेरे दिल का करार, इधर बैठी हुई है।
अल्लाह खैर करे चाची, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। यकीन ना ना आज आपको मीना इस कमजोर जान से बहुत बड़ा कोई काम है। बोले बोले मैं सुन रही हूँ। अरे नहीं काम तो कोई नहीं है, बस वो ना वैसे ही वो जो तेरा नीला सूट है ना वो जो तूने तारों वाला नया बनवाया काम वाला, वो ना मुझे 2-3 घंटे के लिए चाहिए। और वो 2-3 घंटों के लिए आपने सिर्फ देखने के लिए थोड़ी लेना है, जेब तन करने की कोशिश भी करेंगी बल्कि जेब तन करने की नाकाम कोशिश भी करेंगी। नहीं ऐसा करूंगी ना, मैं इसकी सिलाइयाँ दे दूंगी और प्लेटें दे दूंगी, बाद में तुझे सिलाई करा के वापस कर दूंगी, तू पहन लेना। हाय चाची ना करें ऐसे, कौन सी गलती हो गई है भला मुझसे जो इतनी बड़ी सजा दे रही है। ना करें, मेरा अड्डा सोना जोड़ा खुल के बेड़ा गर्क हो जाएगा, बूथी बिगड़ जाएगी उसकी, जाए ना अम्मा से जाके कुछ और मांग ले, कितना सोने जोड़े जोड़े हैं उसके पास। हाय भाभी से, हाय उसको क्या पता फैशनों का। ले तुसी फैशन शो च एंट्री मारनी है। नहीं ना, वो मैंने तेरे चाचा से बड़े दिनों से फरमाइश की हुई थी, आज उसने वो मान गया, वो मुझे आज लेके ना चिड़ियाघर जा रहे हैं। हाय अल्लाह चाची, भला जानवरों को की पता कि फैशन की होता है, ना करें इस तरह। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जानवर बड़े ही वहां के बदीर हैं, कितनी बारी में गई हूं उन्होंने मुझे एक दफा आंख उठा के नहीं देखा, कसम में अपने पेड़े से जोड़ों में से कोई एक आधा पहन के चली जाए कुछ नहीं बिगड़ना। बस कर दे आई बड्डी, एक जोड़े के पीछे तरक्के हुए सूट के पीछे मुझे इतनी बातें सुना दी है, जा परे हो, नहीं देंदी ना दे। अब आई मेरे पास चाची, जरा लिपस्टिक का शेड तो दिखाना, ठींगा दूंगी तुझे मैं, नहीं तो ना सी मैं ले लेती हूँ मीना से, चल नहीं जा कसमा नु खा रहन दे, जा परे हो, जाए 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 मांग ले, और जब वो दे देगी ना तो मैनु जरूर आके दसियो। हेलो डॉक्टर याद, हेलो कौन सिस्टर मारिया? और नहीं नहीं मैं सिस्टर मारिया नहीं बोल रही, आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर याज, आए हाय तेरा ते बेड़ा ही गरक हो जावे, तेन होर कोई दुनिया च नंबर नहीं मिलता, तू जो भी फोन मिलाना मैनू ही चुक के मिला देना है। अच्छा वैसे एक गल तो दस, सिस्टर मारिया कौन है? आपकी क्लिनिक पर काम करती है? हाय वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसी ना शोखी कुड़ियों को अपने क्लिनिक में ना रखे, और आपके कालों से मुझे अंदाजा होता है कि वो तो काम पे आती नहीं, निकाल बार करें हैं, मैं आ जाऊं? और नहीं नहीं मुझे ना रखे काम पे, मैं मर जाऊंगा टीका चुक के इंसानों को ला दवांगी, मर जाएंगे सारे इंसान। हंस रहे हैं? अच्छा इसका मतलब है फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं आप मीना के साथ फ्री। बस बस दांत अंदर करें, खबरदार आज के बाद आपने मीना को फोन किया तो बंद करें फोन। मजा बड़ा आता है वैसे इसके साथ बात करने का। बैलेंस कितना रह गया? 105 रुपए कुछ पैसे। बड़ा टाइम है अभी तो, बड़े फोन करने हैं, बड़ा बैलेंस है, मुक्के का तो आ जाएगा। लो जी फिक्की पै गई जन दारियां दिलो, तू अजे भी ना आयो सजना। हाय अपनी जान से चले गई, सिर्फ तुम्हारी भांजी की वजह से। मैं कहती रही ये मक्कार है, शराफत का नकाब ओढ़ रखा है उसने, लेकिन मेरी किसने नहीं सुनी, किसने नहीं सुनी। फहमीदा बाजी मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुश्किल में? और तुम जैसी खूबसूरत लड़की, अक्ल से काम लो ना तो हजारों कमा सकती हो। क्या अस्तीफा? मगर क्यों? क्यों? आपका ये स्कूल मेरे स्टैंडर्ड से ना कुछ कम मियार का है, तो मैं ये फैसला करने पे मजबूर हो गई हूँ। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, इसी स्कूल का स्टैंडर्ड को आप ही ने अब करना है ना। क्यों? मैंने कोई ठेका ले रखा है इस घटिया स्कूल का, मैंने क्यों अब करना है? देखिए मेरी बात सुनिए, लगता है कि आज आपका मूड जो है नसीबे दुश्मना बहुत खराब है, और उसी में आप घर से बरामद हुई हैं। जी नहीं, मेरा मूड क्यों खराब होगा? मूड तो खराब किया है आपके इस घटिया स्कूल ने मेरा, सारी गंदगी के ढेर ते बच्चे भी सारे कोचे निकम्मे नलायक। अरे बेबी शीना भाई ये तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। क्यों? मेरे पे क्यों डिपेंड करता है? इतनी कम तनख्वाह में मैं क्यों अपना मगज इधर खपाऊं? मेरी बात कान खोल के सुन ले, आप ये इस्तीफा आपके सामने पड़ा है, मंजूर करना है तो कर ले, नहीं तो भाड़ में जाए आप, मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी। हाँ अरे सुनिए भाई, अदील मियां की शादी में तो आएंगी ना, यकीन मानिए आपके बगैर वो फंक्शन जो होगा वो बिल्कुल फीका और बदमजा होगा, यकीन मानिए हमारी बात। इस बात को अगर आप किसी और तरीके से सोच लेते ना
पगर आप तो कुड़ मगज हैं, आप क्यों सोचेंगे? दुनिया जालिम होती है, किसी ने ठीक कहा है, आप भी दुनिया का ही हिस्सा है। मैं इस स्कूल नहीं आऊंगी अब, और जितनी बदुआएं मुझे आती है ना, अभी तो कोई याद नहीं आ रही, पर आपके इस स्कूल में ना कोई बच्चा पढ़ने के लिए ना आए, आपके इस स्कूल का बेड़ा गरक हो जाए, समझे आप? चलिए भाई, ये बड़ी बुढ़ियों की तरह पूछने देना शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ तो क्या लिख दिया इस्तीफे में? वजह तो कोई लिखी होगी। मेरे मालिक, इमला की इस कदर गलतियां। मशीना भाई, आप भी इसी स्कूल में दाखिला ले लीजिए। भाई इतना बुरा इस्तीफा मेरी लाइफ में गुजार नहीं। मेरी मासूम बच्ची अपनी जान से चले गई, सिर्फ तुम्हारी भांजी की वजह से। मैं कहती रही ये मक्कार है, शराफत का नकाब ओढ़ रखा है उसने, लेकिन मेरी किसने नहीं सुनी, किसने नहीं सुनी, और मेरी बच्ची अपनी जान से चली गई। घर बर्बाद हो गया, मैं अपनी बच्ची के कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा कर दम लूंगा। अब अगर जरी ने इस घर का रुख किया तो मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाय मेरी सगो। मुझे मिलने इनसे, बहुत ज़रूरी काम है मुझे। जी वो तो घर पे नहीं है। कब तक आएंगे? ये तो मुझे पता नहीं है वो कब तक आ जाएंगे। अच्छा तो बहुत दूर से आई हूँ, बहुत ज़रूरी काम है मुझे उनसे। दीदी हमें पता होता तो हम आपको ज़रूर बता देते। नन्नी एक गिलास पानी तो पिला दे। अच्छा बात। कौन? जी मैं हूँ मालिक मकान। मालिक मकान? जी पिछले 2 महीनों से आप लोगों ने किराया नहीं दिया, कुछ तो ख्याल करें। देखें मेरा भाई, मैंने कोई मजलूमों का ठेका नहीं ले रखा। अगर 10 तारीख तक किराया दे दिया तो ठीक है, वरना मैंने तुम्हारा सारा सामान उठा के बाहर फेंक देना है। मैं फिर आऊंगा, खुदा हाफिज। भाई क्या हुआ बाजी? कुछ नहीं नन्नी, तू बैठ के पढ़, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना। ये बाजी पानी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा बाजी। वो तुम फिर दिलावर को पूछती आई होगी है ना? और मेरी मानो ना तो अब उसे भूल जाओ। फहमीदा बाजी मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुश्किल में? और तुम जैसी खूबसूरत लड़की, अक्ल से काम लो ना तो हजारों कमा सकती हो। मैं यहाँ दिलावर का पूछने आई थी। हाँ हाँ तो पूछ, जरूर पूछ, पर जवाब यही मिलेगा। कोई हमें क्या पता वो कहाँ है, किधर है, जिंदा भी है या मर गया। क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्यों कह रही हैं? बताएं ना फहमीदा बाजी। कोई बुरे काम का
बुरा ही अंजाम होना है ना। तो फिर वो जिंदा है इसलिए कि दिलावर ने कभी बुरे काम नहीं किए और ना ही वो कभी कर सकता है। मेरी पेशकश पे गौर करना और आती जाती रहा करो ना। ओहो तू तो नाराज ही हो गई है, बैठ ना जरा कुछ देर। मुझे कहीं काम से जाना है फहमीदाबा जी। कौन से काम, बैठ जरा। चुप रह, ज्यादा शोखियां करेगी ना तो तुझे कोई बात नहीं बताऊंगी मैं, फिर पूरी रात तेरे पेट में मरोड़े उठते रहेंगे। ले भला मेरे पेट में खाम खा। मरोड़ तो आपके पेट में उठने हैं, जब तक आप मुझे बात नहीं बता देंगे ना पूरी, आपको सुकून नहीं आना। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ चली जाओ यहाँ से। हमारे साथ दुश्मनी के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि तुम हमारी बेटी के कातिल की बीवी के साथ रिश्ता जोड़े बैठी और उसी के साथ रह रही हो? मामू, जब आप लोगों ने अपने घर से निकाल दिया तो फिर मैं कहाँ जाती, कहाँ सर छुपाती? रूल शहर की गलियों में, दुख सुख की फूल फुलाइयों में, रूल शहर की गलियों में, दुख सुख की फूल फुलाइयों में, होता है हल्ला गुल्ला रे।